जिले में होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को जहां कलेक्टर किरण कौशल और एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने होली के त्यौहार में एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे, तो वहीं शुक्रवार को कोरबा के कोतवाली में भी टीआई दुर्गेश शर्मा के अगुवाई में शांति समिति की अहम बैठक रखी गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में सियासी दल के नेता, पार्षद और दूसरे कारोबारियों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें रखी। वहीं टीआई ने भी एसपी के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी से होली का त्यौहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ बिना किसी विवाद के मनाने की नसीहत दी। उन्होंने समिति के लोगों के साथ ही थाना क्षेत्र के लोगों से भी बिना हुड़दंग मचाए होली मनाने की अपील की। दुर्गेश शर्मा ने बताया कि होली के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर होगी, लिहाजा हुड़दंग और उत्पात मचाने वाले तत्वों पर वे सख्ती से कार्रवाई करेंगे। टीआई ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। उन्होंने सभी को होली की बधाई भी दी। सभी जगह पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर क्षेत्रों में शांति समिति की मीटिंग ली जा रही है। मीटिंग में जो क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हैं, वार्ड पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, सामान्य लोग भी, कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की मीटिंग में आहूत किए गए थे, उपस्थित आए थे, जिन्हें होली के जो विशेष पॉइंट्स हैं, होली कैसे शांतिपूर्वक मनाई जाए, सौहार्दपूर्वक मनाई जाए, उन पॉइंट्स से अवगत कराया गया है। अलावा इसके अपने अपने क्षेत्र में जाकर भी वो लोगों को मीटिंग लेकर या क्षेत्र के लोग जो इकट्ठे होते हैं वहाँ पर इन पॉइंट्स को बताएं, इस संबंध में हिदायत दी गई है। दंगियों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी इस टाइप के गुंडा बदमाश या हुड़दंगी लोग हैं उनके खिलाफ़ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें प्रतिबंधित किया जाए ताकि होली शांतिपूर्वक